गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास फोर्थ। आप पढ़ रहे हैं आपका इंग्लिश का फिफ्थ लेसन, द पिकॉक अवर नेशनल बर्ड। जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी थी कि उसके अलग अलग सफ़ेद कलर का मोर भी पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ों के झुंडों में, मीठे पानी के तालाबों में, झीलों में, नदियों में या घास से ढके हुए स्थानों को ये मोर पसंद करता है। और मोर को इसके नीले रंग की गर्दन के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। आज अपन आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। द पिकॉक हैज इरिडेशन ब्लू ग्रीन फैदर्स। जो मोर है ये इरिडेशेंट वर्ड का मतलब होता है अलग अलग विभिन्न प्रकाश में अलग अलग रंग दिखना। कई बार हम मोर को देखते हैं तो रोशनी के अंदर उसके अलग अलग रंग, हमको जब रोशनी उसके पंखों पर पड़ती है तब हम उसे उसके अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। तो द पिकॉक हैज इरिडेशेंट ब्लू ग्रीन फैदर्स। ब्लू ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन ग्रीन मीन्स हरा, फैदर्स यानी पंख, फैदर्स मीन्स पंख। तो मोर के विभिन्न प्रकाश में अलग अलग रंग दिखने वाले, जैसे नीले हरे। और इट हैज कलरफुल आई मार्किंग ऑफ ब्लू गोल्ड रेड एसेट्रा। अब जो ये इसके सुंदर सुंदर पंख होते हैं, इस पे आई मार्किंग यानी आंखों की आकृति से, आंखों की जो जैसे अपनी आंखें होती है वैसे ही मोर के पंखों पे जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि इस पे भी सुंदर सुंदर आईज बनी हुई है, आंखें बनी हुई है। लेकिन उनका कलर क्या होता है? नीले सुनहरे और लाल, उसके ऊपर नीला और ब्लू। ब्लू मीन्स नीला, गोल्ड यानी सुनहरा, रेड मीन्स लाल। तो जो उसकी मोर की आंखें पंख, जो उनके पंख होते हैं पंख पे आंख जैसी आकृतियां बनी होती है वो नीले लाल और सुनहरे रंग की। दीज फैदर्स आर इन ग्रेट डिमांड एज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। इससे दीज फैदर्स, ये जो पंख होते हैं, आर इन ग्रेट डिमांड। डिमांड का मतलब उसकी हमें बहुत जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, इसकी बहुत मांग होती है, बहुत मांग होती है इनके पंखों की। एज दे आर वाइडली यूज्ड इन, वाइडली यूज मतलब दूर दूर तक इनके पंखों की हमें मांग होती है, इसकी आवश्यकता होती है। इन मेकिंग हैंड फैंस, हैंड मीन्स हाथ, फैंस यानी हाथ की जो पंखी होती है, ये जो सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते हैं हाथों के, जब आपको गर्मी लगती है तो आप उनका पंखी का यूज करते हो ना, तो ये जो मोर के पंख होते हैं इनकी भी क्या बनती है? सुंदर सुंदर पंखियां बनती है। तो इनकी मांग बहुत दूर दूर तक होती है, डिमांड यानी उनकी मांग, उनकी आवश्यकता। हैंड फैंस यानी हाथ की पंखी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड सम वाइट पिकॉक आर फाउंड। इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कुछ भागों में, इस देश के कुछ भागों में, एंड द वर्ल्ड और संसार, कंट्री मीन्स देश, वर्ल्ड मीन्स संसार, तो हमारे देश के और हमारे संसार के कुछ भागों में वाइट पिकॉक मीन्स सफेद मोर आर फाउंड। फाउंड यानी पाया जाना। हमारे देश के, हमारे संसार के कुछ भागों में सफेद मोर पाया जाता है। आपने देखा है? नहीं, हमारे आसपास में ये मोर नहीं पाया जाता है जो आप चित्र में देख रहे हैं सफेद कलर का। अपने यहाँ पे नीली गर्दन वाला मोर पाया जाता है जिसके हरे पंख होते हैं और उस पे नीला, लाल और सुनहरे रंग की आईज बनी हुई होती है। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये जो मोर होते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। तो ये जो मोर होते हैं वो कैसे लगते हैं? ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। अगर आप भी इन मोर को देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने भी सफेद मोर नहीं देखा है, तो आप देखेंगे तो आपको ये मोर बहुत ही सुंदर दिखेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। द पिकॉक हैज इंस्पायर्ड मैनी पॉइट्स सीन्स अर्ली डेज टू कंपोज ब्यूटिफुल पोइट्री। द
पहले से ही अनेक कवियों को सुंदर कविताओं के संग्रह के लिए प्रेरित किया है। द कंपोज्ड ब्यूटिफुल पोइट्री यानी कविताएं, मोर के ऊपर सुंदर सी कविता भी लिखी गई है। हियर्स पोइम रिटन ऑन द पीकॉक, रीड एंड एंजॉय। यहाँ पर मोर पर एक कविता लिखी गई है, तो हम इसे पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। द पीकॉक स्टैंड्स टॉल एंड प्राउड। जो मोर है वो सीधा और गर्व से खड़ा होता है। द पीकॉक स्टैंड्स टॉल यानी सीधा खड़ा होता है, एंड प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व, गर्व से सीधा खड़ा होता है। हिज ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। उसके जो नीले और हरे पंख, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, फेदर्स मीन्स पंख, उसके जो नीले और हरे पंख हैं स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, उसे भीड़ से अलग करते हैं उसके नीले और उसके ब्लू यानी आसमानी पंख, वो नीले और हरे पंख उसको भीड़ से अलग करते हैं। ही अनब्रैप्स हिज विंग्स फॉर ऑल अस ऑल टू सी। वो जो अपने पंख हैं हमें दिखाने के लिए खोलता है, मोर है ना, वो अपने पंख कब खोलता है, हमें दिखाने के लिए हम जब जाते हैं या फिर मोरनी वहाँ पे आती है, मौसम या वर्षा ऋतु होती है तो जब मोर खुश होता है तो वो हमें दिखाने के लिए उन पंखों को खोलता है। विंग्स, विंग्स मीन्स पंख। द ब्यूटिफुल कलर्स सो ब्राइट एंड फैदरी। जो मोर होता है उसके रंग, पंखों के रंग अत्यधिक चमकीले होते हैं और फैदरी यानी बहुत मुलायम होते हैं। सो ब्राइट यानी मोर पंख जो होते हैं वो बहुत ही कलरफुल यानी चमकीले, ब्राइट होते हैं, और पंख उनके कैसे होते हैं, फैदरी मीन्स मुलायम होते हैं। एज वी सिट एंड वेट फॉर द पीकॉक्स आईज टू इल्यूमिनेटेड। अब जो मोर है, जैसे कि हम मोर की आंखों के लिए बैठते हैं और इंतजार करते हैं और वो जगमगाती है, कैसे होती है उसकी आंखें है ना। एज वी सिट एंड वेट, जब हम बैठते हैं और इंतजार करते हैं फॉर द पीकॉक, पीकॉक का आईज टू इल्यूमिनेट, वो क्या करते हैं, वो आंखें जगमगाती है। फेदर्स सो टॉल एंड हेड हेल्ड हाई। और जो पंख होते हैं वो काफी लंबे और सिर ऊंचा होता है। फेदर्स सो टॉल, पंख बहुत क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं, पंख मोर के लंबे ही होते हैं ना। एंड जैसे आप दूसरे पक्षी देखते हैं तो उनके पंख तो छोटे होते हैं, लेकिन मोर के पंख कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। फेदर्स सो टॉल एंड हेड हेल्ड हाई। और जो उसका सिर, हेड, हेड मीन्स सिर, उसका जो सिर होता है वो बहुत ऊंचा होता है। हाई, हाई मीन्स ऊंचा, ऊंचा होना। व्हाट अ मैग्निफिकेंट बर्ड, कितना शानदार पक्षी है। मैग्निफिशियंट यानी शानदार, कितना शानदार पक्षी है। ऑल द अदर्स बर्ड्स क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना। ऑल द अदर बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी, तो जो दूसरे सभी पक्षी हैं वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये जो मोर है ये कैसा पक्षी है, ये बहुत शानदार, आकर्षक और बहुत ही सुंदर पक्षी होता है।